नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो आपको बोनस शेयर देने जा रहा है। दोस्तों ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो माइक्रो कैप कंपनी में रिस्क काफी होता है लेकिन ग्रोथ भी काफी पोटेंशियल रखता है ये कंपनियां। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने बताया था कि बोनस शेयर के लिए कभी आपको नहीं जाना चाहिए, आपको ग्रोथ के लिए जाना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी में आपको ग्रोथ दिख रहा है तो जरूर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी जो बोनस शेयर देने जा रही है उसकी बात तो करेंगे ही, बोनस शेयर का एक्स डेट कब है, कब तक आप बाय करते हैं बोनस शेयर मिल सकता है। लेकिन आपको हमने पहले भी सलाह दिया, कभी बोनस शेयर के लिए नहीं जाना, कंपनी में ग्रोथ दिखे तो इन्वेस्ट करना है। जैसे मार्केट में गिरावट आता है उसी समय आप माइक्रो कैप कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी आप करते हैं मार्केट में गिरावट आती है तो जो छोटी कंपनियां होती है स्मॉल कैप माइक्रो कैप ये सब में गिरावट और ज्यादा होती है। ये स्टॉक जो है आपको 50% तक क्रैश होते दिख सकते हैं अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है, बड़ी गिरावट आती है। तो दोस्तों ये है हमारा सचेता मेटल्स लिमिटेड, ये देख लीजिए इसका मार्केट कैप है मात्र 36 करोड़ का, करेंट प्राइस है 19.30 रुपया, और ये भी स्टॉक जो है अच्छा खासा रिटर्न दिया है 10 रुपया से, देख सकते हैं 24 रुपया तक गया था, तो एक साल में मतलब 100% से ज़्यादा का रिटर्न। साथ साथ डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, 1% का डिविडेंड यील्ड है। साथ साथ बता दें ये मेटल सेक्टर में है, तो मेटल सेक्टर में जो है आपको थोड़ा रिटर्न का जो ग्रोथ है वो कम देखने मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट बनाती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो मेटल सेक्टर की वो कंपनियाँ हैं जो प्रोडक्ट बनाती है हमारे डेली लाइफ में यूज वाले। कंपनी की वेबसाइट कंपनी के प्रोडक्ट भी आपको हम दिखाएंगे। कंपनी के ऊपर डेट की बात है, 18 करोड़ का डेट है, 13 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट है 0.41 करोड़ का, बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी का प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है 66.9% है, कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। अगर प्रॉफिट पर चलेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है देख लीजिए कांस्टेंट रूप से बना हुआ है, कंपनी कांस्टेंट रूप से ग्रो हो रही है, कंपनी का सेल्स भी कांस्टेंट रूप से ग्रो हो रही है। 2009 में मात्र 35 करोड़ था जो कि अभी बढ़कर 97 करोड़ तक हो चुका है। कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2009 में 0.76 करोड़ का रिजर्व था कंपनी जो कि बढ़कर के अभी 13 करोड़ हो चुका है। तो धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आप इन्वेस्टर पर जाएंगे तो इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग आपको दिखेगा 66.87% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है जो लगातार बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव साइन है कंपनी में आगे बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। वहीं पब्लिक का जो होल्डिंग है 33% का है इस कंपनी में। और कंपनी जो बोनस देने जा रही है, अगर कंपनी के बोनस शेयर की बात करें तो 1:100 के रेशियो में देने जा रहा है, मतलब 100 शेयर पे मात्र एक बोनस शेयर, और कंपनी डिविडेंड भी लगातार पे करती है, हर साल डिविडेंड पे की है। तो यहाँ पर बोनस शेयर कुछ खास मिलने वाला नहीं है, 100 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा, जिससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स में कुछ खास जो है वृद्धि होने वाला नहीं है, खास इजाफा नहीं होने वाला है। जब बोनस का रेशियो कम से कम 1:1 हो तो हमारा शेयर डबल होता है। यहाँ पर बोनस शेयर कुछ खास नहीं है, मात्र 100 शेयर पे 1 शेयर आपको मिलने वाला है, तो किसी के पास 1000 शेयर है तो मात्र 10 शेयर मिलेगा, तो इस मतलब नंबर ऑफ शेयर्स में कुछ खास इंक्रीज नहीं होने वाला है। और इसका जो एक्स बोनस डेट है वो 8 मार्च है, अगर आप 8 मार्च से पहले तक बाय करते हैं तो आपको बोनस शेयर मिलेगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पर, तो हम कंपनी के वेबसाइट पर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये है sacheta.com, यहाँ पर आप आते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे आप तो कंपनी के सारे प्रोडक्ट आपको खुल जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए नीचे एल्युमिनियम का प्रोडक्ट बनाती है कंपनियाँ, जो भी प्रोडक्ट है सारे के सारे एल्युमिनियम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिल्क कैन है, मतलब जो बर्तन है, तावा हो गया, मिल्क कैन हो गया, यहाँ पर जग हो गया, देख सकते हैं ये जो है पेन है, सॉस पेन होता है। तो इस तरह से जो आप टीप के लिए जो मग देखते हैं, तो मिल्क के लिए जो कैन देखते हैं, तो सारे के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आप 7 पेज है, आप 7 पेज तक जाकर के कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट को देख सकते हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट जो डेली यूज वाले हैं और जो हम यूज करते हैं डेली में, और सारे के सारे एल्युमिनियम के बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए थाली भी बनाती है कंपनी, और यहाँ पर नीचे देख लीजिए ओवल भी बनाती है कंपनी। तो सारे के सारे ये प्रोडक्ट जो हम डेली यूज करते हैं, तो धीरे धीरे कंपनी अपने प्रोडक्ट को काफ़ी डाइवर्सिफाई भी कर रही है। तो कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा है, अगर कंपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस को और ग्रो करती है तो अच्छा खासा रिटर्न हमें यहाँ से देखने मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कितनी बेहतरीन कंपनी है, आने वाले समय में अच्छा खासा ये कंपनी रिटर्न आपको दे सकती है। लेकिन याद रहे एक माइक्रो कैप कंपनी है तो इसमें रिस्क भी आपको काफ़ी दिखेगा,
मतलब काफी रिस्की होता है माइक्रो कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना। अगर कंपनी के रिटर्न की बात करें, क्योंकि शेयर काफी दिनों से लिस्टेड है, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए 2004 से कंपनी का यहाँ पर लिस्टिंग हो चुका था। कंपनी का मतलब जो शेयर प्राइस है यहाँ पर चार्ट पे 2004 से दिख रहा है। तो जो मेटल सेक्टर होते हैं उसमें एक साइकिल चलता है, अप साइकिल और डाउन साइकिल देखते हैं। क्योंकि अभी एल्युमिनियम महंगा हो रहा है तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी महंगा होगा, तो थोड़ा सेल्स कम हो जाएगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। जब एल्युमिनियम सस्ता होगा तो कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते होंगे, कंपनी का सेल्स थोड़ा ज़्यादा होगा, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी एक अप साइकिल और डाउन साइकिल में मेटल सेक्टर के सारे स्टॉक चलते हैं। तो अभी इसमें मोमेंटम नहीं आया है, अभी जो यहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस है काफ़ी लो प्राइस पर मिल रहा है। क्योंकि इसका हाई देखिए जो एवरेज प्राइस है ये 40 रुपीज के आसपास, मतलब 30 से 40 रुपीज इसका एवरेज प्राइस रहता है इस कंपनी का। तो काफ़ी मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे के प्राइस पर आपको ये शेयर मिल रहा है। साथ साथ डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 1.68% का डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है कंपनी का। लेकिन कंपनी जो मेटल सेक्टर की होती है वो एक साइकिल प्रोसेस चलती है, अप साइकिल और डाउन साइकिल। अभी इस कंपनी का अप साइकिल शुरुआत नहीं हुआ है, जैसे शुरुआत होता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन माइक्रो कैप कंपनियों से थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि अगर गिरावट होती है तो एक जोरदार गिरावट आपको देखने मिल सकती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जब आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।